वेलकम वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 3। और नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इज द पोजीशन ऑफ टाइम ग्राफ ऑफ पोजीशन एंड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी at 5th, 20th and 27th second. Find the average velocity and average speed during the entire trip. क्लियर? तो आपके पास ग्राफ है, इसको समझते हैं। टाइम इन सेकेंड इन एक्स एक्सिस, पोजिशन एक्स इन मीटर इन वाई एक्सिस, ए बॉडी मूविंग स्टार्टिंग पॉइंट ओ and then reach the point A. After that, A to B, reach A to B and then B to C. So, solution first, in 5th second, speed, let us consider V1 is equal to 5th second. जो 5th second है बेटा, वो किस किस के बीच में आएगा? 0, 10 के बीच में? तो 0 और 10 के बीच में डिस्टेंस क्या है? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस xa माइनस x0 अपॉन टाइम इज tm माइनस t0। तो xa is 10 मीटर, xo is ओरिजिन पॉइंट इज 0, tm इज 10 सेकंड एंड ओरिजिन t0 इज 0। So V1 is equal to 10 by 10, means 1 meter per second. So 5th second पे जो आपका बॉडी है वो मूव करेगी 1 meter per second स्पीड से। नेक्स्ट है इसमें second is in 20th second. In 20th second let us consider speed is V2. 20 सेकंड कहाँ आएगा बेटा? 10 और 25 के बीच में। तो 10 और 25 के बीच में आपके पास डिस्टेंस आएगी xb माइनस xa दिस ग्राफ एंड अपॉन टाइम इज tn माइनस tm। xb इज 10, xa इज 10, bb 10, ab 10 एंड अपॉन tn इज 25 सेकंड एंड tm इज 10 सेकंड। सो रिजल्ट इज 10/50। V2 is equal to 0 meter per second. So 20 second पे जो body है उसका आज velocity आएगा वो आएगा 0. Third is 27 second. Let us consider velocity is V3. 27 second किसमें आएगा बेटा? 25 और 30 के बीच में। तो ये वाला ग्राफ B2C, तो डिस्टेंस आपके पास आएगा xc माइनस xb अपॉन टाइम आएगा tc माइनस tn। xb माइनस xc, xc 0, xc c पॉइंट पे डिस्टेंस इज 0, d पॉइंट पे डिस्टेंस इज 10 मीटर एंड अपॉन tc इज 30, tn इज 25, सो नेगेटिव 10/5 is negative 2 meter per second. So body B2C moving speed is negative 2 meter per second. And next is average velocity and average speed. So average velocity number 4. Average velocity is equal to total displacement xc minus x0 upon total time tc minus t0. So xc is 0, xo is 0 upon tc is 30 minus 0, 0 by 30 is 0 meter per second. So in this entire trip, O to A, B, C, O to C is average velocity.
number 5, average speed xc minus x0 upon tc minus t0. So O to A is 10, distance 10 meter, A to B is 0 and B to C is 10 and upon 30. So result is 20 by 30 is 0.66 meter per second. So in this entire trip, complete average speed is 0.66 meter per second. क्लियर? तो इस क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व करेंगे. सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना. आज के लिए इतना ही. थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.